आज पंजाब से हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। 1.5 लाख? 1.5 लाख। और उनके पीछे हर साल 30,000 करोड़ जो है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों की फीसों के लिए जा रहा है। जहाँ से हर साल 1.5 लाख यंगस्टर निकल रहा हो, 30-32 हज़ार करोड़ रुपया निकल रहा हो, सर्वाइव कैसे करेंगे? इसको टर्न अराउंड करना ही मैं समझता हूँ कि आज की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक विजन और गोल होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हमारे जो काम है उसी डायरेक्शन में होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कर कोई नहीं रहा। एग्रीकल्चर का तो इतना ईजी फॉर्मूला निकल सकता है यहाँ पे। आप जैसे मैंने कहा, अब MSP जो है 23 फसलों पे, 23 फसलों पे अनाउंस होती है, खरीदते सिर्फ 2 हैं। आप बाकी की 21 के ऊपर भी MSP देना शुरू कर दो। ये नहीं है कि ये सेंट्री कर सकता है, ये स्टेट भी एक कॉर्पस बना के शुरू कर सकता है। चाहे पहले साल 10% 20% ले लो, फिर आगे अगले साल 30% कर दो। अगर डिफरेंशियल भी वो देना शुरू कर दे, लोगों ने डाइवर्सीफाई होना शुरू कर देंगे। डाइवर्सीफाई शुरू हो जाएगा तो उसकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको आप इंसेंटिव दे के उसको ले आओ यहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई तो दैट मीन्स जॉब क्रिएशन होगी, इकॉनमी में स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी, पैसा जो है वो इकॉनमी में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। सो सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जो अरविंद जी ने स्कूल में पेट्रियोटिज्म का सब्जेक्ट शुरू किया ना, बहुत खूबसूरत है, मैं कहता हूँ वंडरफुल आइडिया। और आपने इसका जिक्र कर दिया, वंडरफुल आइडिया। अनटिल एंड अनलेस आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये बच्चे के मन में नहीं डालो कि भैया ये देश मेरा है, ये देश को मैंने बनाना है, तब तक कैसे चलेगा काम? और आज के सिस्टम क्या बना पड़ा है कि भैया देश तो लूटने के लिए है, जिसको जैसे जितना दाव लगता है उतना ले लो, उतना लूट लो। बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, मज़ा आ गया देख के। कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सुंदर है जी, लोग भी बहुत सुंदर हैं। लोग तो पंजाब के बड़े मीठे हैं जी। तो 3 दिन हो गए हमें पंजाब में और मज़ा आ गया। मतलब नहीं, देखिए पंजाब तो एक ऐसी जगह है जहाँ की मिट्टी जैसे और जहाँ के लोग जैसे सारी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलो वो पॉलिटिक्स ने उसको कैसा कर दिया वो अलग बात है, लेकिन आज भी पंजाब में पोटेंशियल वही है कि मुड़ के दोबारा सिर्फ देश का ही नहीं दुनिया का 1 जो स्टेट है वो बनने का पोटेंशियल पंजाब में है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जाके, चाहे आप इंडिया की स्टेट्स की बात कर लें, MP UP की बात कर लें, चाहे अमेरिका कनाडा की बात कर लें, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है हर चीज़ में। बॉलीवुड भी हमारा छाया हुआ है पंजाबियों से। मैं कहता हूँ कि जहाँ पैर रख देते हैं पंजाबी वहाँ नए कीर्तिमान, नए माइलस्टोन्स जो हैं वो अपने झंडे गाड़ देते हैं। ये इसमें तो कोई दो राय ना कभी किसी को थी और ना किसी को मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मेरा राजनीति में आना जी, टेररिज्म का जोर पे था तब 91 में। तब मेरे फादर फर्स्ट टाइम 91 में, पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट के, तब इलेक्शंस पोस्टपोन हो गई थी, काउंटरमांड हो गई थी, क्योंकि बड़े कैंडिडेट्स का को असैसिनेट कर दिया था टेररिस्ट ने। अच्छा। फिर 92 में मेरे फादर फर्स्ट टाइम MLA बन गए उनके साथ ही। तब तो आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, तो तब से ही उनके साथ सोशली और पोलिटिकली एक्टिव होने शुरू हुए। वो जो एक यंग एज पे इंटरेस्ट ऐसा बना कि ये मन में बैठ गया कि अगर सही मायने में आपने लोगों की, समाज की, अपनी स्टेट की, देश की सेवा करनी है तो इससे बेटर, इससे मजबूत प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। सो तब से बस लगे हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। 30 ईयर्स को देख के नहीं लगता आपको 30। ओके, तो सुनाम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, कैसी है, थोड़ा सा आप बताएं। ये सुनाम हमारे डिस्ट्रिक्ट संगरूर में है जी, मालवा का हार्टलैंड है। शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी का ये जन्म स्थान है। अच्छा। यहाँ सुनाम का जो नाम ही बेसिकली 100 नाम, यहाँ पे 100 पीर फकीर
जो हैं वो हुए हैं। बड़ी बड़ी पावन पवित्र धरती है, यहाँ पे हमारे एक मंदिर है, सीतासर मंदिर है, जहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी कहती है वहाँ माता सीता आए थे, उन्होंने अपना सिर स्नान वगैरह किया था। सो बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छे लोग हैं, बड़ा आप एक बार गले मिलोगे तो आके चार बार गले मिलते, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के हमारे। तो इस तरफ तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का बहुत नाम है, लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं पार्टी के साथ, पूरी इस बेल्ट में, संगरूर, सुनाम और भटिंडा, तलवंडी साबो, पूरी जो हमारी पटियाला बेल्ट है, कुछ खास रीज़न इसका? नहीं, देखिए जहाँ पंजाब में आपका अगर हिस्ट्री देखें, जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं वो बेसिकली इसी बेल्ट में से चली हैं। जब आम आदमी पार्टी का भी आगाज़ हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चली वो तो इसी कर यहीं से चली, क्योंकि जो चेंज है, चेंज फॉर द बेटरमेंट, वो हमेशा यहीं से चलती है। ये आज का नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, ये पिछले लंबे समय अगर आप 100-150 साल का इतिहास देखें तो ये चेंज लाने के लिए ये जो हमारी बेल्ट है ये मानी जाती है। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि जब अरविंद जी ने एक पोलिटिकल प्लेटफॉर्म देश को और पंजाब को दिया तो लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला, और आज भी अंडरकरंट जो है आज भी पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। सो एक नए अल्टरनेटिव्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको मौका देने के लिए यहाँ के लोग हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। बहुत बढ़िया। आज हम एक ऑर्गेनिक फार्म में हैं, कुछ बताएं ना इसके बारे में। देखिए ये हमारे बहुत ही खास साथी हैं, एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, सोनू जी हैं, हाई कोर्ट की का अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उन्होंने ये 7 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म यहाँ पे डेवलप किया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि आप जब देखेंगे, नज़र मारेंगे, सही मायने में तो पंजाब की लाइफलाइन जो है वो एग्रीकल्चर ही है, एग्रीरियन स्टेट है, 100% हमारी डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर है। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि अगर फ्यूचर किसी चीज़ का है, अगर कोई फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ है जिससे पंजाब के लोगों की ज़िंदगी को, पंजाब की इकोनॉमी को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए तो वो ऑर्गेनिक में है। सो इस करके बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ सेटअप किया हुआ है, जब कभी वो टेंशन को दूर करना हो तो यहाँ आके आराम से बैठ जाओ, आपको नेचर एट इट्स फुलेस्ट वो नज़र आती है। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ऐसा है कि पंजाब बाय एंड लार्ज अडॉप्ट नहीं कर पाया, जैसे सिक्किम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है, पंजाब के ऐसे क्या चैलेंजेस हैं कि यहाँ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इतनी बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं कि किसान जो है, मतलब हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, दूसरे एपिसोड्स में भी हमने बात की कि कैसे पंजाब का किसान स्ट्रगल कर रहा है अपनी किसानी से, और लोग जो हैं, पंजाब से ट्रेन चलती है बठिंडा से ही, पास ही हमारे बठिंडा, जिसको हम कैंसर ट्रेन बोलते हैं, कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, जो बीकानेर तक जाती है कैंसर हॉस्पिटल तक। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना सुंदर स्टेट जहाँ किसानी सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ में आप देखें तो सबसे ज़्यादा किसानी यहीं पे, फिर इसको शिकार होना पड़ा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी? देखिए बात फिर वो पॉलिटिकल बात आ जाती है, अनफॉर्चुनेटली चाहे कोई चीज़ बेटर हो या चाहे कोई चीज़ ख़राब हो, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का रोल आ ही जाता है। अब पंजाब के साथ अगर मैं कहूँ कि पंजाब के साथ समय समय से पंजाब को यूज़ एंड थ्रो किया गया, अब जब सारा देश भूखा मरता था, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई, उस समय पंजाब के कंधों पे जिम्मेवारी डाली गई कि आपने सारे देश को अनाज देना है। 65-70s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, उस समय पंजाब के लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके, मशक्कत करके सारे देश का जो पेट है वो भरा। राइस कभी भी पंजाब की मेन फसल खाना नहीं था, ना ही हम लोग आज भी नहीं खाते। राइस पैदा किया सारे देश के लिए, उस चीज़ को पैदावार करने में और उसका क्वांटम बनाने में, उसकी क्वांटिटी बनाने में, जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं उसके ऊपर, यूरिया खाद जो है उसके ऊपर हम लोगों की डिपेंडेंस इतनी होगी कि आज उसके 50 साल बाद हम कैंसर से, काला पीलिया से हम उससे जूझ रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धोखा जो है, धक्का जो पंजाब के साथ हुआ है, आज हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर जैसी बीमारियों के साथ ही नहीं, आज हम पानी के लिए भी हमको जूझना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे जितना पानी है उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना हम हर साल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
चावल और इसको कनक को पैदा करने के लिए 1 किलो चावल पैदा करने के लिए शालीन जी 3500 से 5000 लीटर पानी लग जाता है। हम अपनी सेहत ही नहीं ख़राब कर रहे, हम अपना जो पानी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब आज अनफॉर्चुनेटली एक डेजर्ट स्टेट बनने के किनारे जो है वो आता जा रहा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम कहते हैं कि अगर कोई पंजाब को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बचा सकती है। नंबर वन क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के बाद उसकी जो क्रॉप की वैल्यू एडिशन के जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, जो उसका सेटअप होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली आज तक पिछले 60-70 साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी लीडरशिप ने, किसी स्टेट की या सेंटर की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम सिर्फ और सिर्फ पैडी और वीट के साइकिल में फंस के रह गए। डिपेंडेंस हमारी सारी की सारी जो सेंटर की MSP है उसके ऊपर होगी। और अब जब से 3 कानून बने हैं, 3 काले कानून बने हैं, 1.25 साल से हम उसके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं पूरे का पूरा पंजाब। सो ये बड़ा विशियस साइकिल है जिसको निकालने की प्राइमरीली तौर के ऊपर जिम्मेवारी जो थी वो सरकारों की थी, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। अब पंजाब और पंजाब के लोग, किसान जो हैं, उसमें फंस चुके हैं। अब उसमें से जब तक उनको नहीं निकाला जाएगा विद द हैंड होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तब तक पंजाब को मुड़ के दोबारा वो रंगला पुराना पंजाब बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है किसान सचेत है, किसान जानता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की एसेंस क्या है, ज़रूरत क्या है आज के समय में? नहीं, जानता तो किसान सब कुछ है। अगर यहाँ का किसान MP में जाके, UP के तराई के इलाके में जाके वहाँ के बेआबाद ज़मीनों को आबाद कर सकता है, अगर कैलिफोर्निया में जाके वहाँ पे बादाम और अखरोट की खेती कर सकते हैं, तो किसान यहाँ का जानता तो सब कुछ है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसको जानने के बाद भी उसको मौका, उसको अपॉर्चुनिटीज़, उसको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की डेट में लैंड होल्डिंग जो है वो 85% किसानों की 5% एकड़ से कम रहेगी। अच्छा, सिर्फ 5 एकड़ 85% किसानों की। अब उस 5 एकड़ में अगले ने अपना घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां भी करनी है, अगली फसल भी बीजनी है, और डिपेंडेंस होगी सिर्फ और सिर्फ किसान यहाँ कनक और पैडी। कोई शौक से थोड़ा बीजता है, वो इस करके बीजनी पड़ती है, उसको पता है कि यार ये मेरा जो है मैं सामान बीजूंगा ये 6 महीने बाद सरकार ने परचेज कर लेना है। अगर वही चीज़ें, अगर चाहे अपन सूरजमुखी की बात कर लें, बाकी फसलों की बात कर लें, दालों की बात कर लें, तिलहन की बात कर लें, जो कि आज भी इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, अगर उन चीज़ों का भी सिस्टम परचेज का सरकार ने बना के दिया होता तो किसान उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उससे हमारी बिजली भी बचेगी, हमारा पानी भी बचेगा, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी धरती भी बचेगी। लेकिन बाय द एंड, देखिए बात जहाँ से हमने शुरू की थी, बात घूम फिर के वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि जब तक करना, मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। पंजाब का किसान मेहनती है, कर सकता है, करके दिखाया है, लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर देना है, जो प्लेटफॉर्म देना है, वो तो सरकार ने देना है ना जी, वो नहीं मिल रहा। अगर जिस दिन मिल गया उसी दिन आप देखोगे पंजाब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जब हम सरकारों में काम करते हैं ना, तो कई चीज़ें तो मुझे ऐसी लगती हैं जैसे सरकार ने कभी उसको अटेंशन ही नहीं पे की, मतलब कभी सोचा भी नहीं कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स ने कभी प्रपोज किया हो या उन्होंने भी शायद सोचा हो ना सोचा हो, आधी चीज़ें तो इसलिए ख़राब पड़ी हैं कि उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं, और वो हमारे जनमानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमने उसको टेंशन नहीं दी तो वो मसला इसलिए अनअटेंडेड सा पड़ा है। चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा खेती, जैसे किसानी आपने कही वो हो, यदि दिल्ली में किसान को 20,000 रुपये पर एकड़ यदि फसल नुकसान हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो उसको मिल सकते हैं, तो फिर पंजाब में भी मिल सकते हैं। टेंशन देने की तो ज़्यादा मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए, ये तो पूरा स्टेट किसानी पर डिपेंडेंट है। मैं वही तो कहता हूँ ना जी कि देखिए, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, देखिए ब्यूरोक्रेसी का अल्टीमेटली एक लिमिटेड, नो डाउट वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है सरकार को और स्टेट को चलाने में, लेकिन उनका लंबा चौड़ा इंटरेस्ट नहीं होता। ये ब्यूरोक्रेसी तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है जो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के एम्बिशंस और गोल्स जो उन्होंने टारगेट फिक्स किए हैं, जो वो लोगों से कमिट करके आए हैं उसके टारगेट्स और गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये पॉलिटिकल विजन होना चाहिए
स्टेट की लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो ब्यूरोक्रेसी का होता है। ब्यूरोक्रेसी का तो इतना का रोल है, लेकिन जब लीडरशिप ही हेवायर हो जाए, वो डायरेक्शनलेस हो जाए, उनका मकसद, उनकी जो विजन है स्टेट की अगली 30-40-50 साल की बजाय सिर्फ इस चीज़ पे फोकस हो जाए कि भैया अगली इलेक्शन कैसे जीतनी है 5 साल बाद, तो फिर वैसा ही जैसा काम लीडरशिप करेगी वैसी ब्यूरोक्रेसी करेगी। सो इस करके ये अब आप दूर ना जाए। चलो फिर आप कहोगे कि मैंने कोई नहीं, आप बताओ, क्योंकि आम आदमी से और अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हूँ इस करके मैं उनकी बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखा दिया ना जी दिल्ली में, चाहे हेल्थ और एजुकेशन का, ये कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। एक पॉलिटिकल विजन थी कि हाँ मैंने ये करना है, हो गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो हमारे जो लोग हैं वो जिस काम के पीछे पड़ते हैं पंजाबी, वो सिरे लगा के हटते हैं, ये तो वर्ल्ड ओवर फेमस है। तो यहाँ पे अगर हम शालीन भाई अगर दुनिया को जाके बदल सकते हैं तो यहाँ भी बदल के दिखा सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए एक एटमॉस्फेयर, एक कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना सरकार की जिम्मेवारी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रहा। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आज पंजाब से हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। 1.5 लाख? 1.5 लाख, और उनके पीछे हर साल 30,000 करोड़ जो है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों की फीसों के लिए जा रहा है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जिस स्टेट से हर साल 30-32 हज़ार करोड़ रुपया और 1.5 लाख यूथ जिन्होंने 40 साल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उस स्टेट या कंट्री की इकॉनमी के लिए काम करना है, अगर वो इतना सबसे इम्पॉर्टेंट कोई अगर कोई एसेट है तो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट टू यंग ह्यूमन रिसोर्स। अगर 18-20-22 साल के बच्चे, उनका कोई उनको डिग्री से मतलब नहीं, उन्होंने ये आयल्स करना है और बाहर जाना है, जहाँ से हर साल 1.5 लाख यंगस्टर निकल रहा हो, 30-32 हज़ार करोड़ रुपया निकल रहा हो, सर्वाइव कैसे करेंगे? इसको टर्न अराउंड करना ही मैं समझता हूँ कि आज की पॉलिटिकल लीडरशिप का एक विजन और गोल होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हमारे जो काम है उसी डायरेक्शन में होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कर कोई नहीं रहा। इस चीज़ को एडमिट करने को भी तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं। और एक सेकेंड आपको हंसी की बात बताऊँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप का आप व्यू पॉइंट देखो, थोड़े दिन पहले अकाली दल ने, डेढ़ महीना पहले एक अपना 13 पॉइंट का एजेंडा निकाला, और उसमें एक एजेंडा ये था कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये भी करेंगे। उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर पंजाब का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट आयल्स करना चाहता है तो हम उसको 10 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री और गारंटी फ्री पंजाब सरकार देगी। कितनी बेवकूफ़ी की बात। मैंने उसके दिन, अगले दिन नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कह भैया आप अकाली दल 10 साल पहले तो बोलता था कि हमारी सरकार लाओ हम पंजाब को कैलिफोर्निया बना देंगे, और अब कहते हैं कि भैया हमारे बस का काम नहीं है, आप यहाँ से पैसे लो, गारंटी लो और ब्याज भी हम देंगे, और यहाँ का बच्चा जो है वो अमेरिका को जाए या कनाडा को जाए। व्हाट नॉनसेंस यार, ब्रेन ड्रेन को प्रमोट कर रहे हो, ब्रेन ड्रेन को प्रमोट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट कर रहे हो, उनके पीछे जो पैसा जाना है उसको प्रमोट कर रहे हो, हाउ रिडिकुलस। सो ये विजन जो है जब पॉलिटिकल क्लास का हो जाए, देन हाउ डू अ स्टेट एज अ होल सर्वाइव? That's a big question. एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लोग बाहर चले गए, हमने वो नंबर हमारे पास है, हमारे सामने है, उसके पीछे जो लोग मशक्कत में लगे रहते होंगे पंजाब से बाहर जाने के लिए, विदेशों में जाने के लिए, और बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर रोजगार ढूंढते होंगे और नहीं मिलने की वजह से शायद ड्रग्स चूज़ करते होंगे या बहुत कुछ और चूज़ करते होंगे, सड़कों पर धक्के खाते होंगे रोजगार की तलाश में, उनका क्या हश्र होता होगा? जी तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना जी कि अगर यहाँ के जो नौजवान है यहाँ पे जब कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में उतरता है एयरपोर्ट पे, सबसे पहले उसका सवाल ये होता है कि भैया मेरे को यहाँ किसी गैस स्टेशन पे, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम लगवा दो, यहाँ पे उसको काम नहीं मिलता इस करके वो ड्रग्स में फंस रहा है। सो मेरे कहने का ये बेसिकली दिस इज़ कैच 22 पोजीशन, ये एक विशेष सर्कल बना हुआ है। अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट की जाएँ तो नंबर वन जब जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी तो यूथ का ध्यान जो है वो नशों से दूर होएगा, वो उन्होंने जब काम करना है अपने घर के लिए, स्टेट की इकॉनमी को उन्होंने प्रमोट करना है, जब
तक वो माहौल ही ना बनेगा तब तक बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक गोल है कि किसी से पूछ लो। पहले तो होता था कि शादियों में कि जी लड़के वाले दहेज मांगते हैं, आजकल भाई साहब पंजाब में उल्टा हो रहा है। आजकल ये अनफॉर्चुनेट बड़े बड़े दुखद मन से मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल हो क्या रहा है कि लड़की के आयल्स के बैंड 7-8 वो लेती है, लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और पैसे जो हैं वो दोनों बच्चों के वो लड़के वाले खर्चते हैं, शादी होती है और बाहर। अच्छा, यस, ये नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में, ओह माय गॉड, पूरे पंजाब में। आप किसी रूरल बेल्ट में जाके देख लो, जो दो दो चार चार पाँच पाँच एकड़ के भी जो लोग हैं ना, जिनका बेचारा का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, उनका सिर्फ एक गोल है कि दाम साम दंड भेद, पैसे जहाँ मर्जी हो लेकिन बच्चे को बाहर जाना है। बच्चा खुद भी जाने को तैयार है। उसके अलावा उससे बड़ा दुखद काम ये है कि पेरेंट्स भी भेजने को तैयार हैं। उसका रीज़न ये है कि भैया अगर आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हो, आपके अच्छी खासी ज़मीन भी है, इन केस अगर एक को एक बच्चा है और वो कल को ड्रग्स में पड़ गया तो ज़मीन जायदाद भी जाएगी और बच्चा भी जाएगा। इस करके बच्चे का बाहर जाना ज़रूरी है। नाउ इशू इज़ कि जिस सोसाइटी के लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन की होंद, उनकी सर्वाइवल के लिए इतने चिंतित हुए कि अगर यहाँ रहा बच्चा हमारे पास तो कहीं ड्रग्स में ना पड़ जाए, इस चक्कर में उसको बाहर भेजना है, खतरनाक सिचुएशन, बड़ा खतरनाक है जी। वी आर सिटिंग ऑन ए वॉल्केनो शालीन भाई। ये ठीक है, पॉलिटिक्स होएगी, इलेक्शनें आएंगी, बड़े बड़े वादे होंगे, बड़ी बड़ी कस्में खाई जाएंगी, बट अल्टीमेटली वी आर सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो जो के किसी भी टाइम फट सकता है। बड़ी चिंताजनक सिचुएशन बनी है, और ये सोच के तो कभी कभी रातों की नींद रो जाती है कि भैया हाउ टू टर्न इट अराउंड, दैट्स ए बिग चैलेंज। आज हम चाहे जो मर्जी कह लें, चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, चाहे हम लोगों की बन जाती है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टास्क। ये कोई सौखा काम नहीं है। बिगड़ने में तो समय थोड़ा लगता है, उसको सुधार करने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसको टर्न अराउंड करने में तो सालों साल लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है जो एक ही जो सिल्वर लाइनिंग मेरे को इसमें दिखती है, जो एक गट इंट्यूशन है, जो एक विश्वास है कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए ये नहीं कि सिर्फ एक सरकार को या लीडरशिप को या ब्यूरोक्रेसी को कुछ करने की ज़रूरत है। वो नीचे से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके जब तक जो बंदा पंजाब का जो सिटीज़न आखिर में खड़ा हुआ है, जब तक सारे के सारे एक थॉट प्रोसेस से नहीं चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में धक्का पुश नहीं करेंगे, तब तक सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि जो लोग गाँव से तो खैर पलायन हो ही रहा है, पर शहरों से भी पलायन हो रहा है, चाहे वो अमृतसर हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, जहाँ फैक्ट्री सेटअप करने की दारोमदार है, उनको अभी कुछ हफ्तों पहले अरविंद जी आए थे, ट्रेडर्स से मुलाकात हुई थी उनकी, वहाँ भी बहुत सारे उनके इश्यूज हैं जो अनएड्रेस पड़े हैं। डेफिनेटली बड़े लंबे समय से जो यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, देखिए कुछ तो चैलेंजेस पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब का व्यापारी अर्बन जो है वो वैसे ही फेस कर रहा था लंबे समय से। वो फॉर एग्जांपल जैसे पहले तो तकरीबन 20 साल हमारा टेररिज्म से लड़ते हुए गुजर गया, उसके बाद जो कंसेशंस थे, एडवांटेजेस थी, वो हिल स्टेट्स को दे दी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री काफ़ी वहाँ चली गई। सेकेंडली जो जियोग्राफिकल हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, पंजाब लैंडलॉक स्टेट है, कोई पोर्ट नहीं है यहाँ पे, ज़मीनें महंगी हैं, अब आजकल वो दैट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स की लेबर हमारे पास उस तरह की नहीं है, बिजली महंगी हुई पड़ी है, सो कई उसके ऊपर जो सरकारी टेररिज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ आपका इंस्पेक्टरी राज और ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से आज पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी है वो भी डीमोरलाइज्ड है। वो भी अगर एक इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है तो यहाँ पे एक्सपेंशन करने की बजाय दे प्रेफर सम अदर स्टेट, लाइक हिमाचल, कर्नाटका तक, एमपी तक हमारे यहाँ के लोग गए हैं जी, उन्होंने वहाँ पे जाके अच्छे यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं। कई फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो यहाँ पे सारे का सारी सिस्टम, या अगर दो बच्चे हैं, एक को यहाँ रखा, दूसरे को बाहर भेज दिया, सो इस तरीके का अर्बन से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो हो रही है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की पैठ अर्बन पॉपुलेशन में बनी है?
लोगों को समझ में आ रहा है वहाँ? नहीं देखिए, बनी है या नहीं बनी ये तो आने वाले टाइम में इलेक्शन में पता चलेगा, क्योंकि और तो देखिए कोई आपके पास या मेरे पास कोई पैरामीटर है नहीं कि हम कैसे किसी को चेक कर सकें। लेकिन अंडरकरंट जो है वो आज की डेट में आम आदमी पार्टी के फेवर में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार अनफॉर्चुनेटली हमसे थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को, ये सारी की सारी जो दूसरी रवायती पार्टियां, चाहे अकाली दल है, कांग्रेस है, इन्होंने हमें कि जी ये तो हार्ड लाइनर हैं, ये तो जी अगर ये आगे तो पंजाब में टेररिज्म आ जाएगा, उस तरह के रंगों में रंग दिया। अच्छा। जिसकी वजह से हमें अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ। लेकिन अब उस चीज़ को आई थिंक हम कुछ हद तक वॉश आउट करने में कामयाब हुए भी हैं। बाकी और भी अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अर्बन पॉपुलेशन का, अर्बन आप ट्रेडर कह लो, आप व्यापारी कह लो, आप हिंदू कम्युनिटी कह लो, आप मॉडरेट सारी कम्युनिटीज़ के लोग कह लो, उनको हम एड्रेस करने में कुछ हद तक, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ है जो अभी करने की ज़रूरत है। क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, अब अरविंद जी आए थे लुधियाना में, जलंधर में, उनका सबसे प्राइमरीली कंसर्न ये नहीं था जी कि हमें कोई कंसेशन दे दो, तो ये था कि जी हमें लॉ एंड ऑर्डर 100% दुरुस्त चाहिए, हमें 100% पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, हमें अगर हमें ये ही चीज़ें मिल गई तो काम तो हम कर लेंगे, हम प्रोग्रेस खुद भी कर लेंगे और स्टेट को भी करा देंगे। सो वो चीज़ें जो हैं उसके लिए भी पार्टी, नो डाउट अरविंद जी के आने से काफ़ी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो हुई है, लेकिन अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बहुत कुछ अभी हमें उसमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए बैठे। है ना जी जन्नत, आप ये देखिए बहुत प्यारी जगह और ऊपर से आप मौसम देखिए आज का मौसम सो ये खूबसूरती है जी पंजाब की। ये मौसम नेचुरली इस तरह का है या कहीं पराली वराली जलने की वजह से धुआं है? नहीं, अभी पराली वाला तो खैर इतना कंसेप्ट नहीं है, ये तो आज आई थिंक कुछ थोड़ा वेदर ही इस तरीके का है। पराली का तो अभी इतना जोर नहीं पड़ा, अभी कटाई नहीं इतनी हमारे एरिया में, कटाई नहीं ज़्यादा हुई, धान की कटाई नहीं हुई, उस करके पराली पुरूली का तो नहीं अभी सच इशू का। हाँ, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद हो जाए तो दैट्स ए सेपरेट इशू। जैसे हम अभी यूथ के साथ जुड़े क्राइसिस की बात कर रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए अल्टीमेटली हर चीज़ का अगर सल्यूशन निकलता है तो वो एजुकेशन से निकलता है, वो नॉलेज से निकलता है। और अगर आपने यूथ को, बच्चों को एट ए यंग एज अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई के साथ, नॉलेज के साथ जोड़ दिया तो आई थिंक कोई लुकिंग बैक नहीं होता उस सोसाइटी के लिए। एंड सेम गोज़ फॉर हेल्थ, वो तो नेसेसिटी है ही है। सो ये हमारा शुरू से हमारा कंसर्न यही रहा है। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मदर हैं जी, वाइफ हैं, दो बच्चे हैं, बड़े ब्रदर, उनकी अनफॉर्चुनेटली लास्ट डेथ हो गई थी, उनके वाइफ और दो बच्चे हैं, वो लंदन रहते हैं, सिस्टर हैं वो कनाडा हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्योंकि राजनीति में बहुत एक्टिव हैं इसलिए आपने यहाँ रहने का डिसीजन लिया या? नहीं नहीं, मेरे तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सुनाम जी, मेरे को तो इस धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ जी जान से प्यार है, तो शुरू से यहीं हो, कहते हैं जन्म और कर्म भूमि यही है, यहीं से सब कुछ मिला है और इसी की सेवा करने का जो कसम है वो खाई हुई है, दैट्स इट। आपके फादर भी दो बार MLA मेरे फादर, हाँ, फर्स्ट टाइम 92 में MLA बने थे जी, तब टेररिज्म पूरे ज़ोर पे था, कोई इलेक्शन लड़ने का जल्दी जल्दी हिम्मत नहीं करता था। फिर वो तकरीबन 1.5 साल के लिए मिनिस्टर रहे, फिर 97 में देन अगेन ही वन डिफीटिंग सर सुखदेव सिंह जी ढींडसा। तब अकाली दल की इतनी स्ट्रॉन्ग वेव थी कि कांग्रेस के सिर्फ 14 लोग जीत पाए थे, उनमें से मेरे एक फादर थे, क्योंकि वो 5 साल में 92 to 97 उन्होंने काम ही इतना के डेवलपमेंट का कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी का कि वो दोबारा जीते, बहुत बड़ा मान सम्मान लोगों से मिला। देन अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन 2000। तो फिर उनके बाद बड़ी जद्दोजहद जो है, ज़िंदगी की संघर्ष जो है वो चलता रहा, पॉलिटिकल तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, बिजनेस तौर पे भी, फैमिली तौर पे भी, बड़े जद्दोजहद चलते रहे। 2000 में
तब दैट टाइम वी वर इन कांग्रेस, मेरे फादर कांग्रेस में थे, तो 2000 में टिकट नहीं मिल पाया, 2002 में टिकट नहीं मिल पाया कांग्रेस से, फिर 2007 में एज कांग्रेस कैंडिडेट कंटेस्ट किया, हार गए, फिर 2012 में एज कांग्रेस कैंडिडेट वोट तो 64,000 के करीब मिल गई, लेकिन तब जीत नहीं पाए, लूज़ कर गए थोड़े से मार्जिन से, फिर 2017 में आके आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारी फैमिली का, मेरे फादर का कि जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स की जो यूएसपी थी, स्ट्रेंथ थी, वो वही थी जो आज आम आदमी पार्टी की है, कि आम लोगों की बात करो, आम लोगों के काम करो, आम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहो, 100% ट्रांसपेरेंट और ईमानदार राजनीति होनी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, वही चीज़ें आम आदमी पार्टी तो 2013-14 में बनी है जाके, सेम राजनीति मेरे फादर ने की, जिसकी वजह से जब से अरविंद जी पॉलिटिकल सिनेरियो पे आए आम आदमी पार्टी, मैंने तब से फैसिनेशन तो हो रही थी कि यार बड़ी अच्छी पार्टी है, वही जो मैंने बचपन में छोटे होते हुए एट ए यंग एज अपने फादर को जिस तरीके की राजनीति करते देखा है, वही राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। फिर आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनाफ के 2017 की इलेक्शन से पहले 2015 एंड दिसंबर नवंबर में आम आदमी पार्टी ने खुद मेरे को अप्रोच किया, तो महीना डेढ़ महीना दो महीने सब अपने साथियों भाइयों से विचार विमर्श किया, मन तो था ही कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं, मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि अगर आप सही मायने में लोगों को सर्व करना चाहते हो तो राजनीति से बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, एंड विद गॉड्स ग्रेस टू बी वेरी ऑनेस्ट नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी ने, अगर इंडिविजुअली भी बात करें या एज ए फैमिली बात करें, तो पॉलिटिकल बात करें, लोगों से इतना मान सम्मान मिला हो, अब तो सोसाइटी को लोगों को वापस देने का समय है और देना चाहिए, जो जितना दे सकता है उतना देना चाहिए। लीजिए, बहुत बढ़िया, देखो बिस्किट भी पूरे आटे के बने हुए, आटे जी के, जी आटे के, यहाँ सब कुछ नेचुरल मिलोगे, ऑर्गेनिक आटा तो ऑर्गेनिक होना ही है। हाँ बिल्कुल जी, 100% यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक ही मिलेगा आपको। ये वो बिस्किट्स हैं जो जब हम छोटे होते थे ना, तो मदर घर वाले बनाए, हम नहीं, मदर हम लोगों को दे के भेजते थे, हम वहाँ खुद बैठ के आटा घी चीनी बनवा के लाते थे, इतने किलो आटा जाएगा, इतना घी जाएगा, और वहीं पे बैठ के बनवाओ, कहीं ऐसा ना आटा मिक्स हो जाए। ऐसे ऐसे मौसम में वो मदर हमारे वो खीर मालपुड़े बनाया करते थे, गुलगुले बनाया करते थे, तो वो समय देखिए कुछ और ही था, जब मदर बनाने लग जाते थे चूल्हे पे साग तो पास ही बैठ जाते थे, और भाई साहब मैं और मेरा बड़ा ब्रदर कमल गिनती नहीं होती थी कि कितनी रोटियां खा गए, ये दोस्त वर द डे यार। और ऑर्गेनिक डाइजेशन में कितना इजी है, ऑर्गेनिक डाइजेशन के लिए कितना, मतलब यदि आम आदमी जिसने कभी ऑर्गेनिक टेस्ट नहीं किया, वो पहली बार यदि कभी ऑर्गेनिक फूड टेस्ट करे, तो वो लाजवाब आपके सिवा कुछ और कह नहीं पाएगा। टेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, डाइजेशन इतना ईजी रखता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी 3 साल क्योंकि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के साथ बिताए हैं, फ्रॉम रिटेल टू मार्केटिंग टू ट्रेडिंग टू होलसेल टू सब कुछ, मैंने गुड़गांव बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया 3 साल। बहुत मेहनत है, और लोगों को ये कन्विंस करने में कि ऑर्गेनिक क्यों उनके लिए अच्छा है, और यदि जो कन्विंस हो भी जाएँ कि उनको जो खाना हम दे रहे हैं एक्चुअली वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है, क्योंकि देखने से थोड़ी पता चलेगा, खाने के बाद पता चलेगा, और कुछ रेट्स के डिफरेंस, किसान की समस्या, मतलब ऐसा लगता है कि सरकारों ने कभी उसको ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं किए, उनके ध्यान में, उनके जहन में भी नहीं है कि यह समस्या, वो जब तक हमारे घर में नहीं आ जाती ना, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, खाने और पेस्टिसाइड से जुड़े कैंसर की समस्या हो, तब तक हम उसको कोई फोकस ही नहीं देते। अब मैं आपको शलीन भाई, हमारे पंजाब में, क्योंकि चलो तब देश की ज़रूरत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को पैडी और वीट पे लगा दिया, हमने उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आज जितना पंजाब में हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डालते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 60
50% मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है। दूसरी ओर हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं जो चलो बहुत अब ट्रेंड बनता जा रहा है, धीरे धीरे लोग और इनकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी फसल को 18-1900-2000 रुपये में सेंटर को देते हैं, MSP पे बेच देते हैं। कई फैमिलीज मैंने ऐसे देखी हैं जो MP से, मध्य प्रदेश से ऑर्गेनिक कनक ला के 3500-4000 रुपये वो हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर सिर्फ माइंडसेट की बात है, अगर सरकार इस चीज़ को सपोर्ट करे तो ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है, बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, सब कुछ बचेगा। लेकिन है ही नहीं, ध्यान ही नहीं किसी का, और लोगों को जान के शायद ये ताज्जुब होगा, और हमारे को आपको जो किसानी से जुड़े रहे हैं कि किसान अपने लिए तो ऑर्गेनिक ही तैयार कर रहा है, किसान अपने लिए ऑर्गेनिक ही फूड खाता है। कोई भी किसान हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड से भी खेती कर रहा हो, मोस्ट ऑफ द किसान अपने लिए अलग से खेत में एक सेगमेंट बनाकर वहाँ सब्जियाँ बो रहे हैं, वहाँ ऑर्गेनिक बो रहे हैं। नहीं, सब्जियाँ तो भाई चलो नो डाउट किसी के पास 4-5 एकड़ है, किसी ने 2-4 जो क्यारे हैं, हम इसको क्यारा बोलते हैं, हाँ, तो वो क्यारे अगर किसी ने सब्जी अपनी सब्जी के लिए लगा लिया वो तो अलग बात है, लेकिन कनक और चावल तो वही खा रहे हैं ना जी, वो तो वही खा रहा है, वो तो वही खा रहा है। और इसी करके आप हेपेटाइटिस की, काले पीले की बात कर लो, आप कैंसर की बात कर लो, जितनी इन्फिल्ट्रेशन आज उसकी रूरल एरियाज में हो चुकी है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, नहीं डेंजरस है, और अगले शायद 10 सालों में एक ये बड़ी समस्या होगी। जैसे आज के समय में अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने हमारे पानी को कैसे ट्रीट करना एक बड़ी समस्या है, पानी की कमी बड़ी एक बड़ी समस्या है, पानी की कमी। ऐसे ही हमारे लिए हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अर्बनाइजेशन के चलते अभी अगला चैलेंज है हमारे सामने। ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि हम नहीं आज उसके ऊपर आते तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से होने वाली बीमारियां हमारे लिए चैलेंज होने वाला है। आप कभी अगर आपने पंजाब के पोल्यूशन लेवल्स को चेक करना हो ना, आप कभी यहाँ पर लुधियाना पास में बुढ़ा नाला है वहाँ कभी होके आइएगा। वो किसी टाइम में कोई ज़माना था कि जब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको नीचे 5 फुट 10 फुट 20 फुट पे क्या बोलो आपको नज़र आता था। अच्छा। आज उसकी जो ऊपर की जो लेयर है ना वो इतनी मोटी जो है वो सीवरेज वेस्ट से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से वो काली हुई पड़ी है, और सीवेज और इंडस्ट्री वेस्ट सब एक जगह जा रहा है, सीधा सीधा एक जगह जा रहा है, सीधा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है धरती के अंदर जाके धरती खत्म कर रहा होगा। मैं कहता हूँ जी, पता है शरीर भाई, जो चीज़ मन को दुख भी देती है और चिंता का विषय भी आज पंजाब में, हमारे वो गुरु जी कह गए थे, बाबा नानक कह गए थे, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि जो हवा वो पवन गुरु, वो गुरु है, पवन गुरु पानी पिता, जो पानी है वो पिता है और माता जो है वो धरती है। आज अनफॉर्चुनेटली हम तीनों को जहर बना दिया, ये पंजाब की त्रासदी है। और कितना बड़ा मैसेज उन्होंने उस समय दिया था, उस समय दिया था एनवायरनमेंट को लेके, पहले ही हम लोग को सजग किया था लेकिन हम लोग नीचे थे एक, और आज भी नहीं समझना चाह रहे। एक आध्यात्मिक गुरु, एक मोक्ष की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति, एक संप्रदाय को, एक पंथ को एस्टेब्लिश करने वाला महान संत भी उस समय ये कह के गया था कि यदि तुमने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचा, यदि इसको अपना माता पिता की तरह ट्रीट नहीं किया तो तुम, जब माता पिता खुश नहीं होंगे बच्चा कैसे खुश होगा। और मैंने, और गवर्नमेंट का ध्यान तो क्या उससे उन चीज़ों को सोल्यूशन करने से भागते हैं। मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर एक कॉन्टैक्ट में आए जी, नॉन फ्रेंड्स के थ्रू, साउथ के थे, साइंटिस्ट थे, एक कई चीज़ें ऐसी डेवलप की थी जो ऑर्गेनिक थी, और उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन, बायो प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया था कि आप सीवरेज वेस्ट में भी 4 ड्रॉप्स डालो, उसको स्टर करो एंड दैट बिकम्स ड्रिंकेबल इन 2 मिनट्स। वो मैं यहाँ पे पंजाब में नीचे से लेके पोल्यूशन बोर्ड के निचले ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी तक, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक, मिनिस्टर तक दिखा लिया, लेकिन सिर्फ अगर ये सोल्यूशन निकल आया तो भैया इंडस्ट्री से पैसे कैसे लोगे। इस करके किसी ने कोई असर ही नहीं हुआ किसी पे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। कुछ ऐसी चीज़ है जो हम यदि
दिल्ली में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो आप ज़रूर। हाँ बिल्कुल जी, बताइए। बिल्कुल, देखिए वही है, अरविंद जी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमारे साइंटिस्ट जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा देश का युवा, हम लोग सब प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल जिस लेवल के हम लोग हैं उस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियन नहीं ना हम चुनते, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी फिर आगे बनती है। हम ए ग्रेड लोग सी ग्रेड पॉलिटिशियंस चुनते हैं, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना एक वो कहते दुखद भी और हंसने वाला भी एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मेरे जब ब्रदर का ट्रीटमेंट हो रहा था कैंसर का, दैट वाज 2019 में स्टार्ट हुआ था, 19 तक चला, ही पॉजिटिव इन 2019। जब कीमो चलती थी तो दो एक बार महीने महीने का साइकिल होता था, दो एक बार मेरे सिस्टर कनाडा से आके उनको संभालने के लिए बैठते थे महीना महीना, दो बार मैं गया। एक दिन मैं उनके पास हॉस्पिटल रूम में बैठा हुआ था, एक नर्स सेंटर करती है, मेरे ब्रदर को पूछती है हु इज़ ही, मेरा भाई कहता है कि ही इज़ माई ब्रदर, वेयर इज़ ही फ्रॉम, भाई कहता ही इज़ फ्रॉम इंडिया, व्हाट डज ही डू, मेरा ब्रदर कहता ही इज़ ए पॉलिटिशियन। ओहो हो, इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियंस वेरी करप्ट, वेरी करप्ट। मैंने अपने शरीन भाई, मैंने अपने भाई की तरफ देखा कि यार तूने मेरे को यहाँ नर्स जुतियाँ मरवाने के लिए बोला है, तो वो फिर उसने मेरे एक्सप्रेशन समझ लिया कि इसने लाइक नहीं किया। वो कहती नो नो डोंट वरी, श्रीलंकन पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो वेरी करप्ट। सो आप ये देखिए, और उसके बाद पिछले 2.5 साल में मैं ये चीज़ हमारे पंजाब के पॉलिटिशियन को जहाँ बैठ जाता हूँ, मैं कोई मिनिस्टर बैठा है, कोई MLA बैठा है, मैं ये बोलता हूँ कि भाई साहब हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन और इमेज ये बन चुकी है इंडिया के राजनेताओं की, इंडिया के लीडर्स की, पॉलिटिशियंस की, कृपया करके थोड़ा बहुत अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब लोगों ने क्या हाल करना है। आप ये हालत बन चुके हैं कितनी। ऑन द अदर साइड, अगर सही मायने में आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है तो इससे बड़ा और मज़बूत प्लेटफॉर्म आपको लोगों की सर्विस करने का मिल नहीं सकता। बिल्कुल, इतने पवित्र काम को, इतने अच्छे काम को कितना बदनाम कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स राजनेताओं ने, लीडर्स ने, और एज अ कंट्री कितनी शर्मिंदगी की बात, कितनी शर्मिंदगी की बात है जी, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैंने अपने भाई को बोला, मैं भाई साहब मुड़ के नहीं बताना कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो खुद अपने घर से लगा के पॉलिटिक्स करता हूँ, ठीक है ना। वो जैसे गुरु साहब ने बोला कि अपना दसवंध निकाल के कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपये लोक भलाई के कामों में लगाओ, मैं तो वो निकाल के अपनी राजनीति करता हूँ, और बाहर आते हैं तो ये सुनने को मिलता है, कितनी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए एज ए होल। कोई समझे तो बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं समझे तो फिर भैया उसका तो कुछ हल है नहीं। अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कितना चाहिए आपको, वही तो बात है, इकट्ठा करना है, कितना चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, तो दिन में 3 वक्त 3-3 रोटी खानी है। मैं कहता हूँ उसके अलावा जी अल्टीमेटली एक मन को सेटिस्फेक्शन तो चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। एक रात को अगर आपने इतना 2 नंबर का हराम का पैसा कमा लिया जो आपको रात को सोने नहीं देता, तो वैसे पैसे का क्या करना है। और एक चीज़ मैं आपको शालीन भाई और बता दूँ, आपने भी जब आप इस बात को नोटिस करना शुरू करोगे ना, आपके कई ध्यान में आ जाएगी, जो ऐसा पैसा होता है ना, जो 2 नंबर का, जो हराम का, जो करप्शन का पैसा है, वो उल्टी निकलता वो अस्पतालों में जाके ही है। मैंने बड़े लोग देख लिए कि लूट लोगों को बहुत लिया, 2 नंबर का हराम का पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो जाके निकलता अस्पतालों में ही है, अच्छा अंत नहीं उन लोगों का होता। और एक तरह से हम उसे खंजर की तरह यूज़ कर रहे हैं, अपनी छाती में भी मार रहे हैं और देश की छाती में भी भोंक रहे हैं। तो भाई देश कौन है, हम लोग ही हैं। हाँ, देश कौन है, अपने फेलो सिटीजन्स के साथ धोखा करके कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं। समझने की बात है जी। मन को जहाँ रोक लो, जहाँ ठहरा लो, वहीं रुक जाता है। ठीक बात है, लालच का कोई अंत नहीं। वो पंजाबी मेरे फादर कहा करते थे कि बंदा पेट का भूखा तो रज जाता है, पेट भर लेता है, नियत का भूखा कभी नहीं रजता। जिसकी नियत माड़ी है उसको तो फिर सही गलत का जो बंदा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो
चलिए। कौन सी क्लास में बच्चे हैं अभी अपने, कितने बड़े हैं बच्चे? मेरी बेटी है जी, उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो दिसंबर लास्ट ईयर में कंप्लीट कर लिया है। को देख के नहीं लगता यूएस में वो, अब उसकी 3-4 महीने उसकी एंगेजमेंट की है। तो बहुत बधाई। बेटा जो है उन बच्चों में, दोनों में 10 साल का गैप है, बेटा भी 6th में है, वो जब पढ़ रहा है चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। क्या सपने पंजाब को लेके? पंजाब को लेके मेरा एक ही सपना है जी, कि मेरे अगर सपनों का पंजाब की अगर बात करें तो मैं वो पंजाब देखना चाहता हूँ कि जो आज पंजाब से हर साल लाखों यंगस्टर्स बाहर को भाग रहे हैं, जिस दिन वो रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बैक टू पंजाब, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरे सपनों का पंजाब जो है वो साकार हो रहा है। क्या बड़ी बात। देखिए वो जा क्यों रहे हैं? जा इस करके रहे हैं क्योंकि खेती जो है, पंजाब एग्रीरियन स्टेट है, खेती आज घाटे का सौदा जो है वो बन चुकी। हमने अपना सारा एनवायरनमेंट जो है वो बर्बाद कर लिया, किसानी सुइसाइड कर रही है, यंगस्टर्स के हाथों में जॉब्स की बजाय, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बजाय नशे की जो पुड़ियाँ वो हैं, इंडस्ट्री यहाँ से भाग रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा माड़ा मिला हुआ है। 3 लाख करोड़ का कर्ज़ा जो है वो पंजाब के सिर चढ़ गया। यहाँ का जिन लोगों को भगाने में, अंग्रेज़ों को देश में से भगाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ थी तो वो पंजाबियों की थी। आज उनके पास कोई सबसे अगर तेज़ी से भाग रहा है तो हमारा पंजाबी ही भाग रहा है। अगर हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट को कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अगर हम सारे कॉन्टेक्स्ट को बड़ी कैनवस के ऊपर नहीं देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम पंजाब का 20-30-50 साल का को प्लान नहीं करेंगे, तब तक पंजाब का बचना मुश्किल है। वो मेरी इच्छा है कि वो चाहे ख़राब होने में 15-20-30 साल लग गए, हो सकता है ठीक होने में 50 साल भी लग जाएं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो सपनों का पंजाब तो भाई साहब वो होएगा। बाकी अब ये तो बाबे नानक को पता है कि कब पूरा होता है, हम लोगों के लाइफ टाइम में पूरा होता है या हम लोगों के बाद पूरा होता है, लेकिन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इसके लिए उठना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आज के जहन में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दौर के लोग अब उधम सिंह जी को वापस पढ़ने लगे हैं। तब बात बचपनों से होती है कि जब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलते हैं वहाँ पे उधम सिंह जी का जिक्र होता है, भगत सिंह जी का जिक्र होता है, लेकिन उन्होंने कैसा भारत गढ़ने की कोशिश की थी, जो उनके सपनों का भारत था, क्या उन्होंने एफर्ट्स किए थे, कैसे अपनी ज़िंदगी सोची थी, उनकी सोच क्या थी, वो अब युवा पढ़ने सोचने समझने लगा है। और मुझे लगता है राइट टाइम है, हम सबको अब एक बार को कहना चाहिए ना, एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है पंजाबी के, पूरे देश के लिए, कि माहौल बदलना चाहिए। वो कहते ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेके आग लगनी चाहिए। बात आपकी ठीक है, और इसका एक बड़ा छोटा सा मैं समझता हूँ कि एक बेबी स्टेप, और मैं चाहे वो आज किसी को छोटा, मैं भी बेबी स्टेप कह रहा हूँ, मैं भी एक बीज कह रहा हूँ, जो अरविंद जी ने स्कूल में पेट्रियोटिज्म का सब्जेक्ट शुरू किया ना, बहुत खूबसूरत है, मैं कहता हूँ वंडरफुल आइडिया। और आपने इसका जिक्र कर दिया, वंडरफुल आइडिया। मैं जिस दिन मैं आपके सामने तो आज बात हो रही है, मैं इतने लोगों से बात कर चुका कि भाई साहब अनटिल एंड अनलेस आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये बच्चे के मन में नहीं डालो कि भैया ये देश मेरा है, ये देश को मैंने बनाना है, तब तक कैसे चलेगा काम। और आज के सिस्टम क्या बना पड़ा है कि भैया देश तो लूटने के लिए है, जिसको जैसे जितना दाव लगता है उतना ले लो, उतना लूट लो। नहीं, एज अ यूनिट ऑल्सो, आप एज अ सिटीजन, जैसे आपने कहा एक ही बहुत प्यारी पिक्चर आपने गढ़ी, कि वो युवा जो कभी अंग्रेज़ों को यहाँ से पछाड़ के वापस भेज रहा था, आज उनके यहाँ जाके नौकरी कर रहा है, जब तक वो वापस नहीं आएगा वो आपका सपना है। यदि उसी तरीके से बड़ा कैनवस आप नहीं देखेंगे, मतलब क्योंकि मैं अभी स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स पे काम कर रहा हूँ और हम हर स्कूल में क्लिनिक बनाने की
लगभग तैयारी में है, कुछ दिन में ये सपना साकार हो जाएगा। तो मैंने देशभक्ति पाठ्यक्रम को काफ़ी तहजीब से, काफ़ी तमीज से उसको देखा, पढ़ा, समझा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कहीं हम ओवरलैप ना कर जाएं, जो चीज़ें वहाँ कवर हैं तो हम उसके ऊपर उससे आगे की बात करें। तो देशभक्ति करिकुलम में बचपन से बच्चे के अंदर एज अ सिटीज़न क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, एज अ समाज समाज क्या यूनिट है, देश क्या यूनिट है, और कैसे आप एक व्यक्ति से समाज तक बनाते हो और समाज से कैसे आप देश बनाते हो, इसकी उसमें समझ डेवलप की जा रही है। वैल्यूज़ के साथ साथ, प्रिंसिपल्स के साथ साथ, देश की बड़ी समस्याओं से कैसे आप छुटकारा दिला सकते हो देश को, उसको तैयार कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लेफ़्ट लिबरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे शायद जिन्होंने लेफ़्ट के प्रिंसिपल्स को भी ढंग से नहीं पढ़ा, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं देशभक्ति करिकुलम को, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि ये आप उसी तर्ज पर बना रहे हो जैसे भाजपा का एक देशभक्ति है, उसी तरीके से आप उसको एस्टेब्लिश कर रहे हो। कम्प्लीटली पोल अपार्ट चीज़ें हैं दोनों। नहीं देखो, ऐसा है कि नंबर एक तो जो ये शुरू किया प्रोग्राम, ये आज छोटा बीज है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा जो दरख्त है, पेड़ है, वो बन के सामने आएगा देश के। जहाँ तक किसी के क्रिटिसिज्म का बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक तरीके से होना भी चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर हर बंदा अपना व्यू पॉइंट, नहीं बिना समझे नहीं ना, बिना समझे तो वो देखिए भाई साहब, ये चीज़ तो अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ कर दिया तो उसका विरोध करना ही करना है, ठीक है ना। तो उनकी राजनीति, उनकी राजनीतिक रोटियां इसी से चलती हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, करने दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बड़ा कुछ हुआ, किन चीज़ों पर नहीं हुआ बताइए मेरे को। बिल्कुल नहीं, हमारे को तो सबसे ज्यादा स्क्रूटनी, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और एक चीज़ और है, जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जितने ज़्यादा प्रहार हुए, जितने ज़्यादा अटैक्स हुए, उतना ज़्यादा लोगों में मैसेज गया। हम उतना मैसेज भी गया है, हम उतना उसमें से निखर के भी निकले हैं। ठीक बात। सो ये तो वो पंजाबी जी कहते हैं कि विरोध बिना विकास नहीं, जब तक आपका विरोध नहीं है तब तक विकास नहीं हो सकता। सो ठीक है, अच्छा उनको अपना काम कर रहे थे, आप अपना काम करें। ये मेरी बहुत खूबसूरत पहल है और सच में इससे एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ये जो वैसे बेबी स्टेप का आपने कहा ना, बेबी स्टेप्स हैं रिवोल्यूशन को तैयार करने की। वो रिवोल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सुबह के बाद रात नहीं होगी, सुबह सुबह होती जाएगी। रिवोल्यूशन इसी तरीके से आता है, छोटे छोटे स्टेप्स है। ये जो मैं कह रहा था ना कि आपका 5 साल बाद मैंने इलेक्शन कैसे जीतनी है, वो वाला सोच नहीं है। ये 50 साल बाद मेरा देश कैसा होना चाहिए, ये उस विजन के साथ ये लिया गया स्टेप है। बिल्कुल। एंड दिस इज गोइंग टू बियर फ्रूट्स, मार्क माई वर्ड्स। और आज के टाइम में जहाँ पॉलिटिशियंस गद्दी पर बैठने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि अगला चुनाव कैसे जीतना है, या वो कौन से डिसीजंस लेने हैं जिससे जनता में ये मैसेज जाए और अगली बार वोट मिले, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोचते। अरे बच्चे तो वोटर भी नहीं है जिनके लिए आप सोच रहे हो, वो तो आपकी एक पौध है जिसको आज आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो और जो सालों में रिजल्ट देगी। शायद आपका नाम भी ना हो आज 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब स्कूल से बच्चा निकले और कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज से निकले, तब उसके मन के बीज में, उसके मन में क्या मूलभूत चेंजेस हुए हैं, ये इसका क्रेडिट शायद उसके स्कूल को जाए, शायद उन सरकारों को जाए, शायद ना जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो आजकल आपका दिनचर्या कैसी रहती है, कैसे आप? दिनचर्या तो बस सुबह जल्दी उठ के आया मैं, अर्ली राइजर जी, सुबह 5:30 बजे अराउंड 5 o'clock का गेटअप। तो वैसे नॉर्मली मेरा शुरू से 25-30 साल से रूटीन रहा है कि सुबह घंटा डेढ़ घंटा जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह, वर्कआउट करके उसके बाद जो पब्लिक लाइफ के जो प्रोग्राम्स हैं पॉलिटिकल, उसमें बिजी हो जाते थे। आजकल थोड़ा सा और एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो थोड़ा सा अपने जब पॉलिटिकल बंदे का जब भी कोई पॉलिटिक्स का या सोशल प्रेशर पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई इग्नोर होता है तो वो खुद और खुद की फैमिली होता है। तो बस सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है, 7:15 बजे निकल जाते हैं लोगों को, फिर रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे कोई आइडिया नहीं है। लोगों के काम, लोग के सोशल एंगेजमेंट्स, हम लोगों की वही चलता रहता है सारा दिन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एंजॉय दैट। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपने 4 बंदों का भी कुछ काम सवार दिया तो दैट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन कि भैया आज कुछ फ्रूटफुल किया है। और घर परिवार, फैमिली,
फैमिली तो अब यूज टू हो गई है जी, अब तो कोई विरोध नहीं होता। ना ना विरोध नहीं, देखिए पॉलिटिकल बंदे का अगर घर से विरोध होएगा ना, उसको विरोध तो दूर की बात है, अगर घर से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा तो वो पॉलिटिकली कामयाब भी नहीं हो सकता, उसको फिर इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। जब आपकी शादी हुई थी भाभी को पता था कि आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है? नहीं, हाँ उनको ये पता था, लेकिन वो 100% प्योरली बिजनेस फैमिली के थे। ये तो पता था कि अगर कोई फैमिली में इंटरेस्ट लेता है, मेरे फादर के बाद तो मैं ही लेता हूँ, ये तो पता था, लेकिन पॉलिटिक्स इतना टोल ले लेती है फैमिली लाइफ के ऊपर और बिजनेस के ऊपर, वो चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था, फिर धीरे धीरे होना शुरू हो गया, अब तो एडजस्ट हो गए हैं। अब तो अगर कंप्लेन ही ना होती, हाँ जी ना, अब कंप्लेन नहीं होती, अब तो अगर अब तो घंटा दो घंटे घर से निकलने में भी कभी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, निकलने में लेट हो जाएं, या घंटा दो घंटे जल्दी आ जाएं, तो फिर पूछते हैं कि क्या बात, आज कोई काम नहीं है? नहीं, मैं जब सुबह आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था, पीछे भाभी की आवाज़ आ रही थी, कुर्ता सेलेक्ट करने में भी उनका योगदान। नहीं, वो देखिए टचवुड, खैर हम लोगों का शुरू से मेरा और वाइफ का लव मैरिज है, बट हाँ जी लव मैरिज है, अरेंज नहीं, अरेंज मैरिज, प्योरली अरेंज मैरिज। हमारे फैमिलीज फादर्स दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, तो प्योरली अरेंज मैरिज है। और हम लोगों का प्लस पॉइंट ये रहा है टचवुड कि हम लोगों ने अपना अपना कहते डिपार्टमेंट जो है, वाइफ ने और मैंने, वो बांट रखे जब से शादी हुई है। अच्छा, तो उनको कि भैया फैमिली का, घर का और फैमिली का, बच्चों का, वो डिपार्टमेंट उनका है, मेरा पॉलिटिक्स और मेरी बिजनेस, वो डिपार्टमेंट मेरा है, ठीक है ना, उनके काम में मैं नहीं दखल देता, मेरे काम में वो। हाँ डेफिनेटली सलाह जो है वो तो हर इशू के ऊपर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं, ठीक है ना वो, लेकिन वो घर के और बच्चों के मामले में डिसीजन उनका फाइनल, मेरी पॉलिटिक्स और बिजनेस के मामले में डिसीजन मेरा फाइनल, डिस्कशन जो है वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए, तभी देन यू गो एज ए वन यूनिट, लाइफ पार्टनर इसी को बोलते हैं। एंड टचवुड विद गॉड्स ग्रेस, जिस तरीके के का संघर्ष, जिस तरीके के फैमिली चैलेंजेस मेरे फादर की डेथ के बाद आए, और 17 साल लगे मेरे को पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को दोबारा ट्रैक पे चढ़ाने में, उसमें टचवुड अगर मेरे वाइफ फैमिली, बेटा तो तब छोटा था, वाइफ और बिटिया इतने कोऑपरेटिव, इतने अंडरस्टैंडिंग ना होते तो शायद पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आज की सक्सेस में वाइफ का बड़ा, एक कोऑपरेशन का, एक सपोर्ट का बड़ा अच्छा और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल है, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। तो जब आपके फादर की डेथ हुई, आपकी उम्र कितनी थी? 26 साल, बहुत छोटे हैं, बस ऐसी होती जो। और भाई उस समय यहीं थे या तभी बाहर? नहीं, भाई तभी यहीं पे थे, तब इकट्ठे थे, इकट्ठा काम था, संघर्ष जो है चलता रहा, उसके बाद अपने बिजनेस में पड़े रहे, वो टोटली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, मैं बिजनेस के साथ साथ सोशल सर्विस में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। अब दो ही भाई हो? बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा रहा आपके साथ, सुबह सवेरे एक प्यारे से गांव में, प्यारी सी जगह पर, ऑर्गेनिक दूध के साथ, मैंने दूध पिया बाय द वे, तो कप में लाना था इसलिए मैंने, लेकिन दूध में, दूध ही मंगाया, और आटे के बिस्किट बिल्कुल बचपन की याद आ गई, बिल्कुल एक और लेना पड़ा। आप भी, और मेरे लिए ये है कि इतने, चलो शहर और लोग तो हमारे अच्छे हैं ही हैं, जगह उससे भी अच्छी है, और आप जैसा भाई और सारी की सारी जो टीम आपकी इतनी, इतने अच्छे लोगों के साथ एक दिन की शुरुआत होगी, और क्या चाहिए। आप अभी किसी पर, किसी दिन हमारे पास खुले टाइम पे आओ, तो आपको आज तो सिर्फ आप चाय और बिस्किट, इसके आटे के बिस्किट से इतने खुश हो रहे, तो आपको दोपहर तक आपके साथ आपको बस लंच करके जाऊंगा, ठीक है। अब आगे सर्दियों में आपको साग और मक्की की रोटी खिलाएंगे, तो जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि हम ये समझ नहीं आता था कि साग में मक्खन डाल रहे हैं कि मक्खन में साग डाल रहे हैं, वो ठीक बात, उस हिसाब से खिलाऊंगा आपको। नहीं बिल्कुल, हमें यूज्ड टू है, हमारे घर में हम किचन फार्मिंग करते हैं, कह सकते हो आप किचन गार्डनिंग भी बोलते हैं कुछ लोग,
तो हम पालक, भिंडी, तोरी और धनिया, पुदीना तो है ही है, सीजनल वेजिटेबल्स हमारी घर में ही होती हैं, वही हम खाते हैं, तो वो एक सुकून है। किसानी आंदोलन अभी इस मुकाम तक पहुंच गया, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? देखिए, क्या होने वाला है ये तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि ज़रूर हम सबको, पॉलिटिकल क्लास को भी, लोगों को भी, सरकारों को भी, मीडिया को भी, वो उसके बारे में डिस्कशन करनी ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब को कनक और पैडी के साइकिल में से निकालना ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से जो ये तीन कानून इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, उस तरीके से निकालने का जो सिस्टम है वो गलत है। वो सिर्फ उस तरीके, वो उसको वहीं से नहीं निकाल रहे, उसकी ज़मीन से भी निकालने की नेफेरियस डिज़ाइंस हैं। चाहिए ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सभी किसान जथेबंदियों को और सारे के सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते, कंसल्टेशन इनवाइट, कंसल्टेशन होती, डिस्कशन होती, और ये बोला जाता कि भैया हमें आज बेसिकली देश को, अगर फूड ग्रेन की बात करें, जो सरप्लस स्टॉक्स हैं वो 21 मिलियन टन चाहिए, आज वो 77 मिलियन जो हैं स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो ऑयल सीड्स और दालें हैं, लिंटल है, वो हम 1,00,000 करोड़ का हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। सो देर इज़ ए ह्यूज इम्बैलेंस। बहुत सरकार की जिम्मेवारी ये बनती थी कि भैया इन चीज़ों में से, कनक झोने में से निकलो, कनक और पैडी में से निकलो, आप सूरजमुखी, आप दालें, आप ऑयल सीड्स, आप इन चीज़ों की खेती जो है वो करनी शुरू करो, उसकी 100% परचेज का जिम्मा MSP के ऊपर वो हमारा है, और वैसा एटमॉस्फेयर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार बनाती है, हमारे लोग उसको हर साल, और ये प्लान एक नहीं, एक झटके में आज मोदी साहब का मन किया कि जी आज से 12 बजे से ये कानून लागू, तो कानून लागू ऐसे नहीं होना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन एटलीस्ट 10-year प्लान कि भैया 10 साल में 10% हर साल 10-10% आप वीट, खासतौर पे राइस को, पंजाब वाले आप कम करो, बाकी चीज़ें आप वो बीजो और हम खरीदने का उसको इंतज़ाम करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती, इसके साथ साथ क्रॉप की वैल्यू एडिशन का सिस्टम जो है वो बनता। ये अगर सिस्टम ख़राब होने में 50-60 साल लग गए, तो इसको एटलीस्ट ठीक करने में, दुरुस्त करने में, दोबारा ट्रैक पे चढ़ाने में 10 साल का पीरियड चाहिए था। ये तो कहते हैं जी कि हमने आज अडानी मनी के कहने पे कानून लागू कर दिया, तो सारे के सारे आंखें और दिमाग कान बंद करके उसके पीछे लग गया। दैट इज़ नॉट द राइट वे। सो ये होना चाहिए था, और ये अगर आज भी अपनी ज़िद छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये डिस्कशन, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनक और झोने से, पैडी और इससे, वीट से, हम पंजाब के लोग कौन सा खुश हैं? किसान भी नहीं खुश। वो तो कहते हैं जी मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरे को तो जो आप दोगे, हाँ इतना ज़रूर है कि क्योंकि मेरी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है, या 4 एकड़ है, या 2 एकड़ है, मेरे को एक एश्योर्ड परचेज का प्लेटफॉर्म और चाहिए, ताकि मेरे पास 6 महीने बाद इतना पैसा आ जाए, वो देने में क्या मुश्किल है? अपना बजट तो प्लान करेगा ना, अपना प्लान करेगा, कितनी बड़ी बात है ये। सारे अगर पंजाब की बात कर ले, पंजाब में टोटल जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 60-65 हज़ार करोड़ की है, और सारे देश में अगर की अगर फसलों की जो जितनी ग्रॉस प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 16-17 लाख करोड़ की होती है। आप एक एश्योर्ड परचेज MSP के ऊपर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा दो कि भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे हमने डिस्पोज ऑफ करना है, अगर 2-3 लाख करोड़ का उसमें जो डिफरेंशियल सरकार को देना भी पड़ जाता है, आप कॉरपोरेट्स को तो हज़ारों लाखों करोड़ छोड़ देते हो एक मिनट में, एक एक सिग्नेचर के साथ, और लाखों लोगों को आप इतना नहीं कॉम्पेंसेट कर सकते। करना चाहिए, करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर है वो वर्ल्ड ओवर सब्सिडाइज्ड है, यहाँ भी करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ हमारे पंजाबी में कहते हैं शालीन भाई, कि पंजाबी नू चाहे प्यार नाल तां नरक चले जाओ, जहन्नम चले जाओ,
पर धक्के स्वर्ग च भी नहीं जाते हैं कि अगर प्यार से आप हम लोगों को सरकार कहे कि नहीं भैया हम लोगों ने आपने देश का पेट भरा है हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन अब इस सिस्टम में से हम निकलें तो जो सरकार कहेगी जो पॉलिटिकल लीडर ये कहेगा वो उसको 100% हाथ से हाथ जोड़ के कंधे से कंधा जोड़ के वो चलने को तैयार है लेकिन हम ये कहोगे ये मेरी सरकार है मेरे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ये डंडर चलो इस लाइन में तो नहीं भैया हम जाएंगे ठीक तो नहीं पंजाबी जाएगा जाना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी डेमोक्रेसी क्या बिना कंसल्टेशन के बिना वाद संवाद किए निभाई जा सकती है क्या? मतलब ये कोई हिटलरशाही थोड़ी चल रही है इस देश में कि आपने चाहा और कर दिया और उसके बाद 10 महीने 11 महीने हो गए उनको 700 से ज़्यादा कानों पे जूनी सरक दी देखो और इनके कानों पे जूनी रह गई। ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मांडवली कर रहे हैं कि कहीं किसी को समझा लें किसी को रिझा लें कुछ कर लें लेकिन जो हक की लड़ाई है किसानों के उसकी बात नहीं कर रहे। देखिए ऐसा कि मैं इसी करके कह रहा हूँ कि हम एज ए स्टेट भी और एज ए कंट्री भी बड़े वॉलाटाइल बड़े वॉल्केनिक सिचुएशन के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे अगर लोगों का अपने सिस्टम के ऊपर अपनी सरकारों के ऊपर विश्वास उठ जाए ना तो फिर जनता किस तरफ चल पड़े उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और फिर उसका मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस करके बड़े वॉल्केनिक सिचुएशन के ऊपर आज सारे का सारा देश बैठा हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली जो जिनको सुनना चाहिए उन्होंने कान में रुई डाल के कान बंद कर रखे हैं। ऐसे कैसे चलेगा कब तक चलेगा? पूरे पंजाब को उम्मीद है पूरे देश को उम्मीद है कि किसान आंदोलन सक्सेसफुल हो और इतने लंबी मियाद के बाद अब एक समय आ चुका है कि सरकार उनकी बात सुने तीनों काले कानून वापस ले और किसानी की मूल समस्याओं के ऊपर बात करना शुरू करके उसका समाधान करें। समाधान है बड़े इजीली निकल सकते हैं क्या दिक्कत है उसमें? और आने वाले समय में जो मैं पंजाब में अंडरकरंट देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है उसके बाद जो कुछ स्टेट लेवल पर बेहतर करने के कदम उठाने हैं वो आप लोगों ने मिलकर उठाने हैं हम लोगों ने मिलकर उठाने हैं और उसमें उससे बहुत देश को बहुत उम्मीद है और उम्मीद है ये भी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडर को भी कि ऐसा एक फुल स्टेट आने के बाद हम वो सब चीज़ें रिवोल्यूशनरी करके दिखाएंगे जो शायद हम दिल्ली में कर नहीं पा रहे या कर नहीं सके बिकॉज ऑफ नहीं दिल्ली में तो देखिए जितने इतने टाइड हैंड्स हैं आप लोगों के अरविंद जी के वो एक लिमिट तक ही किया जा सकता है। एक फुल स्टेट आना एक पंजाब बेसिकली अरविंद जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक नेशनल शोकेस विंडो की तरह हो सकता है। गुजरात का मॉडल जो है जो कि आई थिंक फेल्ड मॉडल है सिर्फ और सिर्फ मीडिया में लोगों को बेच के अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की USP इसमें है कि वो गंजे को भी कंघा बेच देते हैं तो गुजरात मॉडल उन्होंने बेच दिया दो बारी। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसको पूरे देश में शोकेस किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यहाँ को ट्रांसफॉर्म करना सबसे ईजी है। वो इस करके ईजी है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ इन्होंने इतनी नीचे तक ले गए हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत ही कोई नहीं है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल है कैलिबर है एनर्जी है स्ट्रेंथ है सो किया जा सकता है। और जैसे आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का तो इतना इजी फॉर्मूला निकल सकता है यहाँ पे। आप जैसे मैंने कहा अब MSP जो है 23 फसलों पे 23 फसलों पे अनाउंस होती है खरीदते सिर्फ 2 हैं आप बाकी की 21 के ऊपर भी MSP देना शुरू कर दो। ये नहीं है कि ये सेंट्री कर सकता है ये स्टेट भी एक कॉर्पस बना के शुरू कर सकता है चाहे पहले साल 10% 20% ले लो फिर आगे अगले साल 30% कर दो। अगर डिफरेंशियल भी वो देना शुरू कर दे लोगों ने डाइवर्सीफाई होना शुरू कर देंगे डाइवर्सीफाई शुरू हो जाएगा तो उसकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको आप इंसेंटिव दे के उसको ले आओ यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई तो दैट मीन्स जॉब क्रिएशन होगी इकॉनमी में स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी पैसा जो है वो इकॉनमी में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। सो सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है बिल्कुल इंटरलिंक्ड है लेकिन उसको उसमें से निकलने के लिए एक कंप्लीट फ्रॉम A to Z एक प्लान चाहिए पॉलिटिकल और लोगों की सोशल विल पावर चाहिए। मैं ये आप यकीन करूँ कि जब से MLA बने हैं मैं 3 बार तो ये चीज़ विधानसभा में कैप्टन साहब को कह चुकी ये काले कानून तो 3 अब आए हैं पिछले साल
मैं जब इन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई थी, मैं तब से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहता रहा कि जी इन्होंने पता नहीं कब एमएसपी बंद कर देनी है, कम से कम एटलीस्ट स्टेट अगर ये वापस बंद कर देते हैं। और जून 22 में जो 14-15 हज़ार करोड़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन का आता है वो बंद हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे। स्टेट के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, हमने अपने पैरों के ऊपर खड़े कैसे होना है, इसके लिए कोई थोड़ा बहुत प्लान कर लो, उस डायरेक्शन में चल पड़ो। लेकिन ना जी, वो उन्होंने अपना सारा टाइम जो है वो फार्म हाउस पर आराम करके निकाल दिया। अब जो 3 महीने में ये सारा कुछ चल रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ की लोगों को बेवकूफ़ बना के नया क्या माल बेचना है, सरकार कैसे बनानी है, कांग्रेस इसमें लगी हुई है। दिस इज़ नॉट लीडरशिप, दिस इज़ एक्सटॉर्शन। और पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूँ पंजाब में, और मुझे पंजाब की राजनीति का उतना आइडिया हालांकि नहीं है, कि पहली बार अब पंजाब की राजनीति जात पे और मतलब धर्म पे आने लग गई। मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी जो है अब जाति और धर्म पे आकर शिफ्ट होने लगा है, जहाँ क्राइसिस है। और एक ऐसे में आम आदमी पार्टी एक अकेली उम्मीद है जो सिर्फ मुद्दों की बात करेगी। देखो, ऐसा है कि लीडरशिप तो वो होती है जी कि जो एक बार जिसको 5 साल मौका मिल गया वो कहे कि भैया मैं वोट मांगने जाऊंगा, अगर मैंने काम किया तो मेरे को वोट डालो, नहीं किया तो मत डालो। यहाँ पे वो तो है ही नहीं, और आधा सेट होने के बावजूद अरविंद जी इस बात को ताल ठोक के बोलते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पिछली बार ये समान ये झूठ ये फ्रेम बेच दिया था, अब उसका रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना नहीं लोगों को कि उसमें से क्या कितने परसेंट मार्क्स आए, नए फ्रेम जो है वो बेचने शुरू कर दो। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इस बार पंजाब के लोग दे आर गोइंग टू बाय दैट क्रैप फ्रॉम दीज रवायती पोलिटिकल पार्टीज अगेन। लोग बहुत सहने हो चुके हैं, और होना पड़ेगा भाई साहब, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। चले, बहुत खूबसूरत सुबह के साथ हमारा आज दिन का आगाज़ हुआ, और आप जैसे भाई के साथ मुलाकात हुई, लॉन्ग वेटिंग। थैंक यू शालीन भाई, मेरे को इस बात की खुशी है कि आप दिल्ली से चल के आए, और आप लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम, और सिर्फ ये नहीं कि अपनी आपसे भी बहुत कुछ, क्योंकि दिल्ली में जो करके दिखाया है वो दिल्ली का बच्चा बच्चा बोलता है। इस बात की खुशी है कि आप आए हो, और अगली बार के लिए आपको है कि खुला टाइम निकाल के आना। बिल्कुल ठीक है ना, मक्की रोटी और सरसों का साग, और फिर आपको खेतों में लीजिए, तो एक ऑर्गेनिक फार्म है, आपको वैसे पंजाब के खेतों में लेके चलेंगे, मोटर के ऊपर बैठ के आपको मक्की की रोटी के साथ साग खिलाएंगे। ये तो इट्स लाइक ए बकेट लिस्ट में डालने वाली चीज आ गई। ओह माय गॉड, अच्छा चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जरूर होगा। और उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब आऊँ, चुनाव से पहले तो जरूर आएंगे, पर एक बार आपके साथ, अगली बार आप सरकार बनाने जाओ, सरकार बनाओ, और हम तब बैठकर वापस इसी तरीके से एक गुफ्तगू करें। बिल्कुल करेंगे, और हमने एक बार मैं एक इंटरव्यू में आपकी करूंगा। उसमें मैंने आपसे सवाल ये करने हैं कि चलो हम लोग तो अपने एक्सपीरियंस से सीख ही जा रहे हैं, खुद कुछ असेसमेंट कर लेते हैं, कुछ विजुलाइज कर लेते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम रॉटन हो चुका उसको कैसे दुरुस्त करना है। ठीक है, वो तो खुद आइडियाज़ और सल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। आपका इंटरव्यू मैंने ये करना है कि आपके दिल्ली के क्या इनपुट्स हैं, कि जो आप हम लोगों को बताओ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने, क्या क्या चैलेंजेस थे वहाँ के, वहाँ बड़े चैलेंजेस थे, हर एक स्टेट के अपने होते हैं, कि उनको कैसे दिल्ली के की लीडरशिप ने और दिल्ली के लोगों ने उन सबको मिल के वो टास्क कैसे अकम्प्लिश किए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बंदा कामयाब वही है जो सारी उम्र स्टूडेंट बन के रहे। बिल्कुल, अगर ये कहे कि मैं आज MLA बन गया जी, मैं सोचूंगी मैं तो सारा कुछ जान गया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से बड़ा गलत फहमी में है या बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है। मैं ये सोचूंगी भैया मैंने उस बंदे से भी जो लास्ट इन द लाइन है उससे भी कुछ सीखना समझना है, तो आई थिंक स्टूडेंट बन के रहे तो बंदा सौखा रहता है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहा हूँ। नहीं नहीं ज़रूर, ये हमारी और आपकी सबकी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा साथ में चलेगी। बिल्कुल, और हमने सबने मिलके पंजाब को सुनहरी चिड़िया बनाना है, देश को एक सुनहरी चिड़िया बनाना है। आज की सुबह के लिए आपका शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू शालीन भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हालो भाई, बिस्किट बड़े टेस्टी हैं, जल्दी मिलना है।